हेलो दोस्तों, मैं क्रिश्चन आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स क्लास बहुत ही सरल तरीके से हमारे साथ। तो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेसन वन से, दैट इज कॉल्ड कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है एग्जाम में। तो कहने का मतलब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। और हाँ, इसमें एक खास बात ये है कि आज मैं इसके सदिश रूप को भी बताने वाला हूँ इसमें। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सदिश रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, लेकिन इसमें किसी को परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप लोग आसानी से इसे समझ सकेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, या फिर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या फिर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फुल इंटरमीडिएट फिजिक्स की क्लास। बहुत सारे मैंने चैप्टर्स डाल दिए हैं, मैंने इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी क्योंकि उस समय मैंने स्टार्ट ही किया था उस समय, इसलिए उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा इस पर दोबारा टॉपिक बना दिया जाए, दोबारा वीडियो बना दिया जाए। तो मैंने आज इसके लिए समय निकाला है और आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंटरमीडिएट के लिए। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और हाँ, अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए क्योंकि जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगा उतने बच्चे उससे लाभ उठा सकेंगे। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर फिजिक्स को फील करेंगे, आप लोग रटेंगे नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है फिजिक्स को समझना, फील करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रटने वाले कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपको रटना नहीं है, बस आपको फील करना है और आपको समझ में आ जाएगा। और जब आपको फील करेंगे, समझ में आएगा, तो आप कह सकते हैं कि आपको हो जाएगा प्यार किससे, फिजिक्स से, ठीक है। तो फिजिक्स से प्यार करने के लिए रेडी हो जाइए, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, अभी हमने बताया है कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर ये कूलाम का नियम है किसके बारे में, ये अभी तक हम लोगों को पता ही नहीं है, तो हम बात बता देते हैं आखिर कूलाम ने किस बारे में नियम दिया, ठीक है। तो कूलाम का नियम ये बताता है कि यदि कोई दो आवेश पास पास में रखे हैं तो उन पर बल आरोपित कितना होता है। ध्यान से एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई आवेश है तो उस आवेश ने अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाया होगा। ये मैंने वीडियोस में बताए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप जाइए यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, यहाँ पर आर्या कोचिंग सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन वाइज सारे के सारे प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर, हर वीडियो का एंजॉय कर सकते हैं, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं और फील कर सकते हैं फिजिक्स को, ठीक है। मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं आज इसको दोबारा मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था कि कोई भी अगर आवेश है तो आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाता है, जहाँ तक उस आवेश का प्रभाव होता है वहाँ तक उसका वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर यदि कोई दूसरा आवेश आता है तो ये वाला आवेश उस दूसरे आवेश पर एक बल लगाने लगता है, मतलब उस दूसरे आवेश पर एक बल का अनुभव होता है, वो बल लगाना शुरू कर देता है। और कितना बल लगाता है अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता था, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया है कूलाम ने अपने नियम में कि आखिर कोई आवेश किसी दूसरे आवेश पर कितना बल लगाता है, क्या हर कंडीशन में बल समान रहता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आखिर दूरी जाने पर बल क्या होता है, पास आता जाएगा तो बल बढ़ेगा कि घटेगा, इन सब के बारे में बताया गया है। आवेशों को बढ़ा दिया जाएगा तो बल घटेगा कि बढ़ेगा, इन सब के बारे में कूलाम ने बताया। उन्होंने सिर्फ अपने नियम में दो बातें कही हैं, कितनी बातें कही हैं, दो बातें कही हैं, उन दोनों बातों को ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। पहली बात कही उस बल के बारे में कि बल कितना लगता है, उन्होंने कहा जो बल होता है वह कितना होता है, दो जो दोनों आवेश हैं उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बताया, मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और बताया दूसरी बात क्या कही, दूसरी बात बताई कि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये पहली बात है। और दूसरी बात क्या है, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये दो बातें अपने नियम में कही और गुलाम का नियम खत्म, ठीक है।
इसको हम लिखते कैसे हैं, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। देखिए आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, हमें पता है कि यदि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो वहां पर प्रतिकर्षण बल होगा, दोनों निगेटिव हैं तब भी प्रतिकर्षण बल होगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो फिर आकर्षण बल हो जाता है। ठीक है, तो आवेशों के द्वारा जो बल लगते हैं वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहां पर बताया है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या फिर हम कह सकते हैं वैद्युत बल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात कही, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरी बात आगे कही है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चा यहां पर मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस इतना कहा है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, मान लिया यहां पर दो आवेश हैं Q1 और Q2, क्या है Q1 और Q2, वो कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। तो यहां पर इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा होगा, तो दो बातें कही गई। पहली बात क्या है कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, कौन बल, बल होता है अनुक्रमानुपाती। बच्चा अनुक्रमानुपाती ऐसे लगाया जाता है, ठीक है, तो ये बल होता है अनुक्रमानुपाती किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेश Q1 और Q2, इनका गुणनफल मतलब Q1 into Q2। ठीक है, सो F प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 के। ठीक है, और दूसरी बात क्या कही गई कि जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, दूरी के वर्ग के, मतलब दूरी कितनी दोनों के बीच की, दोनों के बीच की दूरी है बच्चा R, और इनका वर्ग क्या होगा, R का वर्ग होता R स्क्वायर, और इसके अनुक्रमानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए यहां पर हम बटे में इसको लिख देते हैं 1/R2। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती होता है Q1 into Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। बस इतनी दो बातें कही गई है। अब इन दोनों बातों को एक ही में हम अगर मिला दें तो क्या बन जाता है इक्वेशन, F अनुक्रमानुपाती हो जाता है किसके, Q1 into में Q2, Q1 into में Q2 अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अच्छा आपको एक टेंशन हो रही होगी, भाई अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है एक जैसा परिवर्तन, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है विपरीत परिवर्तन। बस ये दो वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है, अनुक्रमानुपाती का मतलब है एक जैसा परिवर्तन, कहने का मतलब है अगर हम यहां पर आवेशों को बढ़ा दें, क्या करें, आवेश अगर हम बढ़ाएंगे 5 कूलाम से 10 कूलाम कर देंगे तो बल भी बढ़ जाएगा, मतलब आवेशों के बढ़ाने पर बल बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बल है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती है, अगर आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, एक जैसा परिवर्तन हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, तो एक जैसा परिवर्तन है, अगर आवेश कम करेंगे तो बल भी कम हो जाएगा, एक जैसा परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर बताया व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है यदि हम यहां पर दूरी को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे, इन दोनों आवेशों की दूरी को बढ़ा दीजिए, और अगर दूरी बढ़ेगा तो बल फिर घटेगा, क्या होगा, घटेगा, विपरीत परिवर्तन, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, अगर हम दूरी को घटाएंगे तो बल फिर बढ़ेगा, समझ रहे ना, विपरीत परिवर्तन होता है तो व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, और अगर एक जैसा परिवर्तन होता है तो वो अनुक्रमानुपाती कहलाता है। तो ये बातें दोनों थी, अब इन दोनों को हमने मिला दिया तो बन गया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अच्छा ये तो हमें सबसे पहले बहुत दिनों से पता है कि जब जब हमने अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया है तब तब कोई ना कोई नियतांक आया है। ठीक है, क्या आया है, कोई ना कोई नियतांक आया है, और आज भी आएगा, और वो नियतांक क्या होगा, तो नॉर्मली हम लोग नियतांक को क्या लिखते हैं, K लिखते हैं, क्या लिखते हैं, K, तो हमने भी यहां पर लिख दिया K। ठीक है, तो ये हो गया K into Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, क्या होगा, Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू के, आपको के अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है, मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये स्मॉल के है, ठीक है, जैसे भी आप लोग बना ले, मैं यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एफ बराबर क्या हो गया, के इंटू क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। अच्छा ये के है क्या, तो के जो है कूलाम का नियतांक है, कूलाम नियतांक, ये जो के है वो क्या बोला जाता है, कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया, ठीक है। अब एक्चुअल में जो के का मान होता कितना है, आखिर ये के का क्या, इस नियतांक का क्या मान है, बहुत सारे नियतांक होते हैं, उन सबका वैल्यू कुछ ना कुछ होता है, तो आखिर इस के का वैल्यू क्या है, तो बताया गया भाई के का वैल्यू न्यूटन ने, सॉरी नहीं नहीं नहीं, नहीं किसने, कूलाम ने अपने प्रैक्टिकल्स के आधार पर के का वैल्यू निकाला 9 × 10⁻¹, ठीक है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू दिया किसने, किसने, कूलाम ने, ठीक है। तो कूलाम ने के का वैल्यू दिया, ये वास्तव में एक्चुअल में के का वैल्यू आया कहां से, तो बताया उन्होंने कि के वास्तव में के का वैल्यू निकलता है 1/4πε₀ से, कहां से, 1/4πε₀ से, और ये 1/4πε₀ से इसका वैल्यू निकल के आता है 9 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। लेकिन टेंशन तो अब होती है कि जो एप्सिलॉन नॉट है यार, ये क्या है, तो याद रखिएगा बच्चा, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता कही जाती है, क्या है ये, निर्वात या फिर वायु, ठीक है, निर्वात या वायु की क्या है ये, वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है, याद रखिए, 8.85 × 10⁻¹², ठीक है, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻½, और ये इसका जो यार क्या यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा, तो इसका यूनिट होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता इसे कहते हैं। और ये अगर हम ये मान यहाँ पर रख दें, एप्सिलॉन नॉट का मान ये वाला यहाँ पर रख देते, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा के का सेम इतना ही, 9 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें बच्चा कोई डरने वाली बात नहीं है, 1/4πε₀ का वैल्यू भी यही होता है, हम कह सकते हैं के का वैल्यू 1/4πε₀ है, इसलिए हम यहाँ पर वो वैल्यू रख भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, अच्छा आप ही लोग बताइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, एफ इज इक्वल टू के का वैल्यू अगर हम ये रख दें 1/4πε₀, तो क्या हो जाएगा, 1/4πε₀ × Q₁ × Q₂ / r², ठीक है। तो ये तो हो गया एफ का फार्मूला, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। अच्छा ये इक्वेशन हम यूज कब कर सकते हैं, हम उस समय इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं बच्चा, जिस समय ये दोनों आवेश निर्वात में हो या फिर वायु में हो, निर्वात या वायु में दोनों आवेश रखे हुए हैं तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इस इन दोनों आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रख दें, जल में रख दें, किसी ऑयल में रख दें, केरोसिन में रख दें, कहीं भी अलग रख दें, तो इसमें क्या परिवर्तन आता है, तो बच्चा तुरंत बदल जाएगा इक्वेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर निर्वात में उन दोनों के आवेशों के बीच में कुछ और बल लग रहा होगा, और उसी डिस्टेंस पे किसी अन्य माध्यम में रख दिया जाए, केरोसिन में रख दिए जाए अगर वो दोनों आवेश, तो उन पर फिर कोई दूसरा बल कार्य कर रहा होगा, उतना बल काम नहीं करेगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा लेकिन उतना बल काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है हमारे दोनों आवेश कहाँ स्थित हैं ये भी मैटर करता है, कहाँ स्थित हैं, वायु में हैं या फिर किसी अन्य माध्यम में, ठीक है, ये भी मैटर करता है दोनों के बीच में लगने वाले बल पर, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि अगर हम किसी अन्य माध्यम में रख दें तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तब हम फार्मूला यूज करते हैं किसी अन्य माध्यम के लिए, ये किसके लिए है, निर्वात या वायु के लिए है केवल,
ठीक है, ये निर्वात या वायु के लिए है। अन्य किसी माध्यम के लिए अगर हम बात करें तो अन्य किसी माध्यम के लिए ठीक है, अन्य किसी माध्यम के लिए क्या हो जाता है, तब फार्मूला एफ एम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एम क्या है, किसी अन्य मीडियम के लिए है, ये वायु या निर्वात के लिए था तो कोई बात नहीं। एफ और एफ एम में अंतर समझ रहे ना, ये वायु या निर्वात के लिए एफ है और किसी अन्य मीडियम के लिए क्या है, एफ एम है। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाता है, तो ये इक्वेशन हो जाता है 1/4πε0, ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, इनटू में Q1 Q2 upon R square। अच्छा क्या अंतर आया है, आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है, क्या अंतर आया है, यहाँ पर मैंने नॉट नहीं लगाया, 1/4πε Q1 Q2 upon R square, ये एप्सिलॉन क्यों लगाया, केवल यहाँ पर वो क्यों नहीं लगाया, तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो था वो निर्वात या वायु की वैद्यशीलता थी, लेकिन जब किसी अन्य माध्यम में कोई वस्तु रखा हुआ है तो निर्वात या वायु की वैद्यशीलता तो वहां पर रख नहीं सकते हैं, उस समय हम उस माध्यम की वैद्यशीलता रखेंगे और उस माध्यम की वैद्यशीलता को हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन ओनली, ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्यशीलता, ठीक है, किसी अन्य माध्यम की जो वैद्यशीलता होगी उसे हम एप्सिलॉन से व्यक्त करेंगे। यदि हम इक्वेशन 1 इसे कहें, इक्वेशन नंबर 2 इसे कहें, तो बच्चा सिंपल सी बात है, इन दोनों को डिवाइड करिए जरा, इक्वेशन 1 को 2 से भाग देने पर क्या करेंगे, भाग देने पर, और जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, एफ अपान में क्या आ जाएगा, एफ एम, ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना जरा यार, भाग करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जगह कम है और समझाना भी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 1/4π और 1/4π ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना भाग करने पर, और ये वाला पूरा पोर्शन तो सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये सोचिए आप लोग, क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/ε0 बचेगा केवल, क्योंकि 4π तो कैंसिल आउट हो चुका होगा, 4π कैंसिल आउट हो गया, ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/ε0 बचेगा, 1/ε0 बचा, और नीचे वाले में 1/ε0 बचेगा, 1/ε0, समझ रहे हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं भाई, पलट दो इसको, तो ये क्या बन जाएगा, कि ये इक्वेशन बन जाएगा F/εm = εν गया ऊपर और ε0 हुआ नीचे, ठीक है, εν/ε0, इस रेशियो को मालूम हम क्या कहते हैं, इस रेशियो को बोलते हैं εr कह देते हैं, ठीक है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ये क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक जिस माध्यम में दोनों आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, तो εr है, इसी को हम कैपिटल के भी कहते हैं, ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। देखिए ये जो इक्वेशन है इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, JEE या नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर यार समझ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग समझ पा रहे होंगे, F/εm = εν/εr, और इसको हम क्या बोलते हैं, εr कह सकते हैं, या फिर इसको हम कैपिटल K कहते हैं, और ये जो क्या है, K जो है माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है, वैद्युतांक, समझ रहे हैं, तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो अगर देखिए आप लोगों को अगर कूलाम का नियम लिखने को आता है एग्जाम में, तो बच्चा यहाँ तक आपको लिखना है और ये वाली बात को आप लोगों को याद रखना है, अगर यहाँ तक कर देते हैं यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तो एक बार वीडियो को देखिएगा दोबारा और आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा, अब हम चलते हैं इसके सदिश रूप पर, आखिर इसका सदिश रूप क्या होता है, ठीक है, तो शुरू करते हैं अब सदिश रूप, इसका सदिश रूप में हमने यहां पर दिखाया हुआ है एक कार्तीय तल लिया हुआ जिसका एक्स अक्ष ये है
और वाई एच ये है। यहाँ पर हमने दो आवेश लिए हैं Q1 और Q2 और इन दोनों को हमने इसके क्या इसे बोलते हैं केंद्र बिंदु या फिर कहते हैं यार मूल बिंदु से मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसका पोजीशन क्या है R1 है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है R2 है, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस हमें इसके ओरिजिन से पता है कि इसका R1 है और इसका R2 है, ठीक है। अब हमें इतना तो पता हो गया है, तो अब इन दोनों आवेशों के बीच में आखिर दो आवेश स्थित है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में आखिर कितना बल लगता है ये हम लोग निकालने वाले हैं। और इसका हम लोग ने फॉर्मूला अभी ज्ञात किया था, एफ इज इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 R2, ठीक है। यही फार्मूला होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। और K का वैल्यू 1/4 रखा था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर K लेके चलते हैं, F is equal to क्या होता है K Q1 Q2 R2, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जब भी बात आती है सदिश रूप की, तो बच्चा एक बात याद रखिएगा, जब भी सदिश रूप कहता है तो आपको वेक्टर लगाना है, क्या, क्योंकि वेक्टर का मतलब सदिश होता है, तो वेक्टर लगाना। और याद रखना, जब भी वेक्टर लगाना तो आपको करना क्या है, यहाँ पर K Q1 Q2 R2 और इंटू में आपको वेक्टर R कैप लिखना है, क्या लिखना है R कैप। ये याद रखना, जब भी आपको वेक्टर की बात करता है, वेक्टर फॉर्म लिखिए इसका, तो वेक्टर फॉर्म जब भी लिखेंगे तो F पर वेक्टर लगाया तो यहां पर क्या आ जाएगा R कैप आ जाएगा। अब ये R कैप का मतलब क्या होता है, तो R कैप होता है एक्चुअल में, R कैप क्या होता है, तो R कैप होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, R कैप जो होता है वो होता है एकांक सदिश। क्या होता है, एकांक सदिश, जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यार कोई बात नहीं है, आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, एकांक सदिश। और इसका जो वैल्यू होता है वो कैसे निकाला जाता है, तो वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर आर अपान में मॉड वेक्टर आर, ठीक है। क्या होता है, वेक्टर आर अपान में मॉड वेक्टर आर, ठीक है। इस तरह से इसे हम कह सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम यहां पर रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा बच्चा, वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 R2 और इनटू में क्या हो जाएगा बच्चा, वेक्टर आर अपान में मॉड वेक्टर आर, ठीक है, मॉड वेक्टर आर, ठीक है। ये हो गया आर कैप का वैल्यू, यहां पर रख दिया। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मॉड वेक्टर आर का मतलब आर ही होता है, या फिर आर स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर आर का स्क्वायर। जैसे अगर वेक्टर ए स्क्वायर लिखा है तो इसे मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये नियम होता है। तो हमने यहाँ पर इसको अगर हम इस मॉड के रूप में लिखेंगे तो वेक्टर आर का स्क्वायर लिखेंगे और एक नीचे पहले से, तो आर का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू और इंटू में वेक्टर आर है और अपान में क्या हो जाएगा, तो अपान में हो जाएगा वेक्टर आर के मॉड का क्यूब, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर ये था, एक ये हो गया, तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, ये वैद्युत बल का हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल का, और ये इसका वेक्टर रूप है, कहने का मतलब ये सदिश रूप है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर कितना आवेश लगता है, ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाता है, मतलब आवेश Q1 के कारण या फिर पहले लिख देते हैं Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है। आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, किस पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है। और जब Q1 पर लगने वाला बल होगा तो हम क्या लिखेंगे, Q1 पर लग रहा है किसके कारण, Q2 पर, तो 1-2 F12 लिख देते हैं, ठीक है। जिस पर लग रहा होगा उसको पहले और जिसके कारण लग रहा है उसको बाद में, तो F1 × 2, ठीक है। हम कह सकते हैं Q1 पर लग रहा है किसके कारण लग रहा है, Q2 पर, ठीक है। तो F12 इक्वल क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 R की जगह पे क्या हो जाएगा R12 वेक्टर,
अपान में मॉड वन टू वेक्टर का मॉड, सॉरी क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी बात है यार, क्यूब है ठीक है। तो आर वन टू हो गया, यहाँ पर भी आर वन टू हो गया। अच्छा ये वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं, तो आर वेक्टर आर वन टू का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं जरा ठीक है। वेक्टर आर वन टू का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सो हमेशा याद रखना आर वन से आर टू घटा करके हम प्राप्त कर लेंगे। आर वन टू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू, आर वन टू का वैल्यू निकल आएगा ठीक है। अगर यहाँ पर आर वेक्टर आर टू वन कहें तो क्या हो जाएगा, तो आर टू वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर टू माइनस आर वन ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ये आप लोग समझ सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर ऐसे ही लिख दें तो एफ वन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू इंटू में ऊपर क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू, वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू, अपान में क्या हो जाएगा मॉड के भीतर वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया किसके कारण, किस पर, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल ठीक है। अब Q2 पर लगने वाला बल मतलब Q2 पर Q1 के कारण, अभी हमने ये निकाला ठीक है, Q2 के कारण Q1 पर, अब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल ठीक है क्या हो जाएगा, तो F21 लिखेंगे क्योंकि Q2 पर लग रहा है तो 2 और वन के कारण लग रहा है तो वन ठीक है। इसी प्रकार इसको हम क्या लिख देंगे, तो आप लोग अब तो लिख ही सकते हैं के इंटू क्यू वन क्यू टू, अब जहां पर आर था तो आर की जगह पर आर टू वन का वेक्टर, और अपान में क्या हो जाएगा मॉड के भीतर आर टू वन का वेक्टर का क्यूब ठीक है। तो इतना हो गया भाई। अब हम अगर बात करें इनको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, टू वन को क्या लिख देंगे के Q1, Q2 अपान में सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 ठीक है वेक्टर पर। अभी हमने बताया ना R21 को क्या लिखेंगे, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा, अपान में भी वैसे लिखना है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब ठीक है। तो इस तरह से हम इसके वेक्टर रूप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप लोग समझ रहे होंगे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं समझ में आया क्या, आया है ना, तो आया है तो जरूर इस पर कमेंट करिएगा, और हाँ अगर समझ में आया है तो इसे लाइक जरूर करिए यार, और मुझे इस पर कम से कम 1000 लाइक चाहिए, ज्यादा मैंने टारगेट नहीं दिया है, 1000 लाइक दिलवा दीजिए आप लोग, बस इतने में मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों को अगर समझ में आया है तो डेफिनेटली इसे लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ठीक है। और आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए, अगले दिन आपको वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।